व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। गाइस मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये बुक बात करती है सबकॉन्शियस माइंड के मैजिकल पावर की, और डॉक्टर मर्फी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे हम साइंटिफिक रिसर्च और स्पिरिचुअल फिलॉसफी को कंबाइन करके हम सबकॉन्शियस माइंड की इनक्रेडिबल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। Guys, this book is full of numerous techniques which will guide you on all aspects of existence, which includes money, relationships, jobs, and happiness, and many more. Guys, Joseph Murphy का जन्म आयरलैंड में हुआ और वो बड़े हुए एज ए रोमन कैथलिक। उन्होंने प्रीस्ट बनने के लिए अकेडमी में एडमिशन भी लिया, पर जैसे जैसे बड़े होते गए, करियर में आगे बढ़ते गए, तो वो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी पर ही क्वेश्चन करने लगे। उनका मन नए आइडियाज़, नए एक्सपीरियंस गेन करना और दुनिया को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा था। वो ये सब कैथोलिक डोमिनेटेड आइलैंड में रहकर नहीं कर सकते थे। उन्होंने मन बना लिया फैमिली को छोड़ने का और वो अमेरिका चले गए। उन्होंने केमिस्ट्री में डिग्री की और बतौर फार्मासिस्ट काम भी किया, बाद में साइकोलॉजी में PhD भी किया, और इसके अलावा फिलॉसफी, थियोलॉजी और लॉ भी पढ़े। उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया और हिंदू माइथोलॉजी को स्टडी किया, साधुओं के साथ टाइम बिताया, क्योंकि उनके विचार साइंटिफिक रिसर्च और स्पिरिचुअल फिलॉसफी दोनों को साथ लेकर चलते थे। तो चर्च उनकी कभी नहीं बनी, और उन्होंने अपना खुद का चर्च स्टार्ट किया जो हिंदू आइडियोलॉजीज पर भी बेस्ड था। डॉक्टर जोसेफ मर्फी 83 ईयर्स के होकर 1981 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। गाइस, डॉक्टर मर्फी ने टोटल 30 बुक्स लिखी, उनमें से द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड सबसे बड़ी बेस्ट सेलर रही, और इसकी करोड़ ऑफ कॉपीज सेल हुई और आज भी बिक रही है। अगर मैं नटशेल में बुक को समराइज करूँ तो इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे आप साइंटिफिक वे में प्रे करके कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की इनक्रेडिबल पावर को यूज़ कर सकते हो खुद को हील करने में, स्ट्रॉन्ग बनने में, और अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो आपको इम्पॉसिबल लगता है उसको भी पॉसिबल करने में। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स है, बट इस वीडियो में सिर्फ एक ही चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें डॉक्टर मर्फी ने एक्सप्लेन किया है कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ की किसी भी मैरिटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ खुश रह सकते हैं। तो गाइस, डॉक्टर मर्फी कहते हैं शादी स्पिरिचुअल बेसिस पर होनी चाहिए, दिल से। अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट हो, काइंड हो, इंटीग्रिटी के साथ हो और सिंसियर हो। और शादी मनी, सोशल पोजीशन या ईगो के लिए नहीं होनी चाहिए। आगे डॉक्टर मर्फी बताते हैं आइडियल हस्बैंड या वाइफ को अट्रैक्ट कैसे करें। जैसा आप हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं, जो क्वालिटीज़ आप उसमें चाहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर आप उसमें चाहते हैं, वैसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं, फीड करें। बुक में उन्होंने कुछ प्रेयर टेक्निक भी शेयर की है जो आपको बेहद पसंद आएगी। जब आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो एक डिवाइन पावर इसको करने में लग जाती है और आप सक्सेसफुल होते हैं। डिवोर्स पर डॉक्टर मर्फी बोलते हैं ये इंडिविजुअल की अपनी प्रॉब्लम है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हो सकता है किसी केस में डाइवोर्स ठीक है तो किसी केस में गलत। वो बताते हैं जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए मन में प्यार होगा, सद्भाव होगा, केयर होगी, तो आपकी शादी दिन ब दिन और स्ट्रॉन्ग और सुंदर होती चली जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब वाइफ अपने हस्बैंड की छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढने में लग जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है और माहौल में तनाव आ जाता है। डॉक्टर मर्फी बोलते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाइफ को अटेंशन नहीं मिलता है। जब अपनी वाइफ को अटेंशन देंगे, उन्हें प्रोत्साहन देंगे उनके अच्छी क्वालिटीज़ के लिए, उनके काम के लिए, चाहे वो घर का हो या बाहर का, तो ये अपने आप दूर हो जाएगा। और ऐसा ही हस्बैंड के केस में भी वैलिड है। गाइस, डॉक्टर मर्फी कहते हैं सबसे बड़ी गलती है मैरिटल प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को पड़ोसियों या रिश्तेदारों से डिस्कस करना। रिश्तेदार या पड़ोसी आपको गलत ही एडवाइस करेंगे, वो एक तरफा या पक्षपातपूर्ण ही बात करेंगे। एग्जांपल के तौर पर एरिका अपने पड़ोसी को बताती है जॉन उसको पैसे नहीं देता है, उसके परिवार से अच्छे से बात नहीं करता है, बहुत अधिक ड्रिंक करता है और कभी प्रोत्साहन नहीं करता है, बस चिड़चिड़ा रहता है।
अब ऐसा करने से पड़ोसी रिश्तेदारों की नज़र में जॉन की इमेज खराब हुई है, उनकी मैरिज एक नेगेटिव मैरिज की दृष्टि से देखी जाएगी। अब जॉन कभी एक आइडियल हस्बैंड नहीं होगा किसी की नज़रों में, एरिका की नज़रों में भी वो और गिरता ही चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने से एक नेगेटिव माहौल पैदा हुआ है। इसलिए अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स को सिर्फ ट्रेट काउंसलर से ही डिस्कस करें। आगे डॉक्टर मर्फी बताते हैं, इस दुनिया में कोई भी दो लोग एक छत के नीचे बिना लड़े नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर उनके बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है, पर तनाव को आपसी समझ से ही दूर करना सही है। दूसरों को बताकर उसको सिर्फ बढ़ाया ही जा सकता है। आगे डॉक्टर मर्फी एक और बड़ी बात बताते हैं, कभी भी अपनी वाइफ या हस्बैंड को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश ना करें। वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करें और खुद एडजस्ट हो। किसी को बदलने का मतलब है उसके नेचर से छेड़छाड़ करना, जिसके परिणाम सिर्फ बुरे ही होंगे। प्रे टुगेदर एंड स्टे टुगेदर। गाइस डॉक्टर मर्फी बोलते हैं साथ में प्रार्थना करो और साथ में रहो। चैप्टर का अंत डॉक्टर मर्फी तीन बातों से करते हैं। नंबर वन, नाराजगी कभी दूसरे दिन तक मत रखो। किसी बात पर अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो तो उसे उसी ही दिन डिस्कस करके ख़त्म करो। अगली सुबह आपकी फिर से खुशनुमा, प्यार भरी, शांति भरी होनी चाहिए। जब भी आप खाना खाने बैठें तो अपने पार्टनर को थैंक्स बोलना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम या आर्गुमेंट खाने के टाइम पर ना हो। नंबर थ्री, हस्बैंड और वाइफ अल्टरनेट प्रे करें या साथ में प्रे करें और एक दूसरे को ग्रांटेड कभी ना लें। अपने पार्टनर को प्रोत्साहन देने में और प्यार को दिखाने में कमी ना रखें। निंदा, चिढ़ और आलोचना से बचें। आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करते रहेंगे वैसे ही आपकी शादी और मजबूत होती चली जाएगी। तो गाइस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करूंगा। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इस क्लासिक वर्क को ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।